बिग बॉस 16 ने दिवाली से पहले ही शो में फिल्म मेकर साजिद खान को लेकर बम फोड़ दिया है। ये धमाका इतना जबरदस्त है कि इसकी गूंज बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक मची है। साजिद खान पर एक के बाद एक आरोप लगने शुरू हो गए हैं। कोई उन्हें सीरियल मोलेस्टर कह रहा है तो कोई ये कह रहा है कि इसे जल्दी से जल्दी शो से बाहर निकाल दे वरना देश में बिग बॉस का बॉयकॉट शुरू हो जाएगा। दरअसल बिग बॉस 16 के प्रीमियर वाले दिन जब आखिरी कंटेस्टेंट के रूप में साजिद खान की एंट्री हुई थी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसे क्यों ले लिया। साजिद ने भी शो के होस्ट सलमान खान के आगे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी कि उन्हें 4 साल से कोई काम नहीं दे रहा है, पर उनकी ये दुर्दशा क्यों हुई इसका जिक्र नहीं किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं, मी टू के चलते ये विरोध किया जा रहा है। हुआ ये कि कुछ समय पहले जब देश में मी टू मूवमेंट चल रहा था तो करीब 9 लड़कियों ने सामने आकर साजिद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये सिर्फ आरोप भर नहीं था, एक्ट्रेस ने खुलकर बताया कि कैसे इंडस्ट्री में नई आने वाली लड़कियों को साजिद अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करते थे। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस मंदना करीमी ने तो साजिद को शो में लेने के फैसले के खिलाफ बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। मंदना करीमी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बॉलीवुड छोड़ रही हूँ, मैं बस फिलहाल बॉलीवुड में काम नहीं कर रही, मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ पर महिलाओं को रिस्पेक्ट ना मिले। अब औरत की सम्मान की रक्षा की बात करने वाले दर्जनों सीरियल दिखा चुके कलर्स चैनल के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग बिग बॉस के मेकर्स को जमकर कोस रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके शो से साजिद को बाहर निकालें।